अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ऑर्डिनेंस डिपो में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें मर्द और खवातीन 18 से 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास मिडिल से लेकर बैचलर्स तक की तालीम होना लाजमी है। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसीज हैं, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोस के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। सबसे पहले वैकेंसी स्टोर कीपर की ग्रेड, इसका बीपीएस 14 एक आसामी है जो कि पंजाब के कोटे पे है। बैचलर्स डिग्री आपके पास किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट का एंट्रेंस टेस्ट लाजमी पास करना होगा। नंबर 2 पर वैकेंसी है एलडीसी की ग्रेड है बीपीएस 11। 2 आसामियां हैं, एक पंजाब के कोटे पे जबकि एक सिंधरबन के कोटे पे है। मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी जरूरी है। सिलेक्शन के बाद आपको 3 वीक का बेसिक आईटी कोर्स करना होगा और आपको डिपार्टमेंट का एंट्री टेस्ट लाजमी पास करना होगा। नंबर 3 पर वैकेंसी है असिस्टेंट स्टोर कीपर की ग्रेड एस का बीपीएस 9। 3 आसामियां हैं, 2 पंजाब के कोटे पे हैं जबकि एक सिंध रूलर के कोटे पे है। मैट्रिक आपके पास तालीम होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे से नॉलेज होनी जरूरी है, डिपार्टमेंट का टेस्ट लाजमी पास करना होगा। नंबर 4 वैकेंसी है सिविल ऑपरेटर कम लाइन मैन की ग्रेड एस का बीपीएस 7। 1 आसामी है, पंजाब के कोटे पे, मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए टेलीफोन एक्सचेंज के हवाले से। 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिपार्टमेंट कंट्री टेस्ट लाजमी पास करना होगा। नंबर 5 पे वैकेंसी है स्टोर मैन की, इसका भी ग्रेड बीपीएस 7 है। 4 आसामियां हैं, 2 पंजाब के कोटे पे है, 1 सिंध रूरल जबकि केपीके के कोटे पे है। मैट्रिक एजुकेशन होना जरूरी है। 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, डिपार्टमेंट कंट्री टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद पेंटर, टेलर और कारपेंटर की वैकेंसी है, इन तीनों का ग्रेड है बीपीएस 3। तीनों में एक एक आसामी है जो कि बलूचिस्तान के कोटे पे है। तीनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन, 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा फील्ड के वाले से होना चाहिए। इसमें भी आपका डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा जो कि आपको पास करना होगा। इसके बाद वैकेंसी है नाइब कास्टिस यूएसएम लेबर वेटर और सैनिटरी वर्कर की, इन चारों का ग्रेड है बीपीएस 1। इसके आगे 2 आसामियां लिखी हुई है, आप दे सकते हैं। और ये तमाम आसामियां बलोचिस्तान कोटे पे है, प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। इसमें भी आपका डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा जो कि आपको देना होगा। अगर आप बीपीएस 5 या इससे ऊपर के ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 300 रुपये का पे ऑर्डर बनवाना होगा। अगर उससे नीचे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी, 2 शर्ट बनवा के जो कि अटैच होने चाहिए और आपका मोबाइल नंबर लाजमी मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर। आपने सेंड करनी है ऑर्डिनेंस डिपो कोटा कंटोनमेंट के एड्रेस पे 15 दिन के अंदर अंदर। ये एडवर्टाइजमेंट 12 तारीख को पब्लिश हुआ था, 27 नवंबर 2023 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। पहले से सरकारी मुलाजिम आपको एनओसी लेके अप्लाई करना होगा। 18 से 30 साल इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है। 3 साल आपको रियायत मजीद दी जाएगी अगर आप सिंध रूलर या बलूचिस्तान के कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका फौजी है तो आपको 15 साल की रियायत दी जाएगी, तो आप 18 से 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पहले से ऑर्डिनेंस डिपो कोटा में काम कर रहे हैं तो उनको तरजीह दी जाएगी। वैकेंसी में माजूर अफराद और खवातीन का कोटा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका उनको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको अपने खर्चे पे आना होगा। आप सिर्फ एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन कमांडेंट ऑर्डिनेंस डिपो कोटा कैंट के एड्रेस पर पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि कंप्लीट वीडियो ऑर्डिनेंस डिपो कोटा में आने वाली जॉब्स के वाले से, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।